कांग्रेस के महामंत्री दीपक बावरिया के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई जो कि घोषणा पत्र को लेकर रही। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महामंत्री दीपक बावरिया ने कहा कि एआईसीसी की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है, तो वहीं लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा चुनाव को लेकर भी मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। कमेटी लोगों के बीच जाएगी और मैनिफेस्टो तैयार होगा। वहीं दीपक बावरिया ने बताया कि मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता बुक्कल व तमाम सदस्य आज यहां मौजूद हैं, जो कि हर जिला स्तर पर लोगों से मिलकर संवाद कर रहे हैं। बावरिया ने कहा कि हरियाणा कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा समेत अन्य मामलों में आगे है। हरियाणा भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, नशा समेत अन्य तरह के अपराधों से ग्रस्त है। इसी परिस्थिति से फिर से हरियाणा को सुरक्षित हरियाणा, समृद्ध हरियाणा बनाने की रचना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए शुरुआत की गई है। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में सबसे विफल सरकार का अवार्ड अगर किसी को मिलना चाहिए तो वह मनोहर सैनी सरकार को मिलना चाहिए। अमित शाह कल हरियाणा आए थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की एक भी उपलब्धि का जिक्र अमित शाह नहीं कर पाए। वहीं इस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता बुक्कल ने कहा कि 17 से 18 मैनिफेस्टो की सब कमेटी बनाई गई है। मैनिफेस्टो हमारे लिए एक मार्गदर्शक होगा और कहा कि बार बार सरकार ने दावे किए कि मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोलेंगे, मगर भाजपा और जजपा सरकार ने एक भी बार अपना घोषणा पत्र खोलकर नहीं देखा। देश ये थे, गाइडलाइंस की थी कि किस प्रकार से जो है, जैसे राहुल जी ने पूरे प्रदेश में घूम के लोगों के से फीडबैक एकत्रित किया हुआ था उसकी यात्रा के दरमियान और उसके बाद न्याय यात्रा के दरमियान। सुनिए फिर से बंद हो गया। तो ये जो फीडबैक हमारे पास जो था, तो जो जब लोकसभा चुनाव थे उसी तरह से हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में भी 360 डिग्री हरियाणा का प्रतिभाव क्या है, उनकी उम्मीद क्या है लोगों से, वो प्रतिभाव झेलने के लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठबंधन किया गया और निश्चित किया गया कि लोगों के बीच में जाके उनसे संवाद कर से उनके प्रतिभाव लेके एक मैनिफेस्टो की रचना की जाए और उसके लिए जो कमेटी बनाई उसकी उससे कार्रवाई जो शुरू हुई उससे आपको अवगत कराने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मैनिफेस्टो कमेटी की ओर से आपके आमंत्रित किया गया है। उसमें आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका जो है नमस्कार करता हूँ, आप सबसे मेरी शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज हमारी ये मीटिंग में ये मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता बुक्कल जी भी हैं, उसके कमेटी के बाकी सदस्य भी हैं। उसमें हम लोगों ने जो है वो भी एक सुनिश्चित करने की कोशिश की कि समाज के पिछड़े से पिछड़े वर्ग के, गरीब से गरीब लोगों के प्रतिनिधि, कॉलोनीज के भी हो सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स के भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जो सदस्य थे जगू मिस्त्री जी, तो ट्रांसपोर्टर से गरीब लोगों के बीच में काम करते थे, वो तो एक महीने पहले चल बसे, मगर सभी लोगों को समाविष्ट करके आप देख सकते हैं कि बाजीगर जी भी जो हमारे इसके सदस्य हो सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, हमारी जो कमिटियाज हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, गीता जी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, चांदवीर जी आपको भेज देंगे, 20-25 जो है मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो जहाँ से आम लोगों की जिंदगी पर वो बड़ी असर करते हैं, वो सब्जेक्ट को लेते हुए उसकी सब कमिटीज बना दी गई हैं। उसके साथ एक एक जो है मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य को जोड़ दिया गया है। नॉट ओनली दैट, वो क्षेत्र में काम करने वाले प्रदेश के जितने भी लीडर हैं और जो वॉलेंटरली भी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारी नज़र से छूट जाए, वो जब कहते हैं तो उनको भी आमंत्रित करके जोड़ते हैं एंड टेकिंग इट डाउन द लाइन राइट, और हल्का तक ले जाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में भी वो जाके काम करें। समय बहुत शॉर्ट है, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित करके संवाद कर लें और इसके साथ साथ जो है हल्के में भी करें और उसके वो लेके आ जाए मैनिफेस्टो कमेटी, उसके पर गहन सोच के बाद उसका सॉल्यूशन दें और हमारा मैनिफेस्टो बने, तो कार्रवाई से आपको अवगत करा रहे हैं।